गुड मॉर्निंग दोस्तों, टुडे इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, पिछली बार लास्ट टाइम आई टोल्ड यू अबाउट बोटानिकल क्लासिफिकेशन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों के वर्गीकरण में मैंने पिछली बार आपको वानस्पतिक वर्गीकरण बताया था। इसके अतिरिक्त जो वर्गीकरण के प्रकार हैं वो नंबर दो है, उगाने के मौसम के आधार पर, क्योंकि सब्जियों को कई तरह से वर्गीकृत किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोइंग सीजन, किस मौसम में कौन सी सब्जी उगाई जाती है, इसके आधार पर सब्जियों को डिवाइड क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया है। और चूँकि भारत में हमारे यहाँ तीन तरह के मौसम होते हैं और मौसम तथा तापमान के आधार पर इसका वर्गीकरण ये है कि चूँकि भारत में तीन प्रकार के मौसम होते हैं, जैसे सर्दी या विंटर सीजन और फिर समर सीजन, या इसको जायद भी कहते हैं हम लोग, और रेनी सीजन या खरीफ सीजन। जो रबी सीजन में सब्जियां उगाई जाती हैं इनका ड्यूरेशन होता है अक्टूबर से जनवरी तक। अक्टूबर से जनवरी के मध्य जो सब्जियां उगाई जाती हैं इसे हम रबी क्रॉप कहते हैं, या विंटर सीजन की सब सीजन भी कहते हैं। इसमें है कोल क्रॉप, जैसे हमारी काली फ्लावर है, कैबेज है, ब्रोकली है, नोल खोल है, ये सब कोल क्रॉप्स के अंदर आती हैं। तो ये फ्रास्ट के प्रति रसिस्टेंट होती हैं, फ्रास्ट के इनमें ज़्यादा प्रभाव, तो इन्हें कोल क्रॉप्स कहते हैं, ये रबी क्रॉप में आती हैं। बीन्स, जितने प्रकार के सेब हैं सेम भी रबी क्रॉप में उगाई जाती हैं। स्पिनच, पालक जो है, कैरेट, गाजर, फेनुग्रीक, चौलाई, मेथी, ऑनियन, प्याज और टर्निप, सलजम, ये जो हैं रबी क्रॉप हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जायदार समर क्रॉप वेजिटेबल्स, इनका उगाने का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो है फरवरी से मई तक। इसमें आती है आपकी ककड़ी, लॉन्ग मेलन, कुकुम्बर, खीरा, लौकी, बोटल गॉर्ड, मस्क मेलन, वाटर मेलन, लोबिया, अरवी, बिटर गोल्ड, करेला जिसे हम लोग कहते हैं, तोरोई, स्पॉन्ज गोल्ड, रिज गोल्ड, जिंजर, अदरक, टर्मेरिक, हल्दी, ओकरा, भिंडी, कद्दू, कुकरबिटा, मोस्चेटा और टिंडा, ये सब सब्जियां जो है जायद या समर सीजन में वेजिटेबल है। नेक्स्ट है रेनी और खरीफ सीजन वेजिटेबल, इस मौसम में हम, ये मौसम होता है जून से सितंबर तक। रेनी सीजन या खरीफ सीजन कब तक होता है? जून से सितंबर तक होता है। इस सीजन में जो सब्जियां उगाई जाती हैं वो है आपकी ओकरा, तोरोई, स्पॉन्ज गोल्ड, रिज गोल्ड, लौकी, बोटल गोल्ड, टिंडा, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, पॉइंटेड गोल्ड, परवल, लोबिया, कुकुम्बर, अरवी, स्नेक गोल्ड, चिचिंडा, अमरंथस चौलाई, स्वीट कॉर्न, मीठा मक्का, ये सब आते हैं आपका रेनी और खरीफ सीजन में। इस सीजन का महत्व ये है कि आप सब्जियों को उनके प्रॉपर सीजन में उगाएंगे तो आप उससे भरपूर लाभ कमा सकेंगे और आपको किसी प्रकार से आपकी जो मेहनत है सब्जियां उगाने में वो बेकार नहीं जाएगी। और सब्जियों का पैदावार चूँकि उनको उनके आवश्यकता अनुसार समर आवश्यकता अनुसार एनवायरमेंटल कंडीशन जो है प्रोवाइड होंगी, तो इस प्रकार से आप इनमें अगर उनके सुटेबल सीजन में पैदा करेंगे सब्जियों को तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये जानकारी होने से आप उन्हें सही मौसम में उगा पाएंगे। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो उपयोग में आने वाले भागों के आधार पर, ऑन द वेजिटेबल्स आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द पार्ट्स यूज्ड, कौन सा पार्ट खाने में उपयोग होता है, इस आधार पर सब्जियों को डिवाइड किया जाता है। जैसे जो सब्जियों में जड़ें खाई जाती हैं, नंबर एक है रूट वेजिटेबल, इनमें जड़ सब्जियों का खाया जाता है, तो इसमें है या आपका कैरेट, गाजर, रेडिस, मूली, टर्निप, चुकंदर, इसमें जड़ खाया जाता है। नेक्स्ट ट्यूबर, कंद वाली वेजिटेबल्स जो हैं वो हैं पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अरवी। नेक्स्ट है बल्ब वेजिटेबल, जिसमें बल्ब खाया जाता है वो है ओनियन, गार्लिक, लीफी वेजिटेबल, पत्तियाँ जिसमें खाई जाती हैं वो है स्पिनच, फेनुग्रीक, चौलाई, विलायती, पालक,
नेक्स्ट है फ्लावर वेजिटेबल, जिनसे फूल खाया जाता है, जैसे काली फ्लावर है, स्प्राउटिंग ब्रोकोली है। फ्रूट वेजिटेबल, जिसमें फल खा सब्जियों में फल खाया जाता है, फल वाला हिस्सा सब्जी के रूप में यूज होता है उसमें है, जैसे आपका कॉलीफ्लावर, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, ककड़ी, खीरा, तुरोई, खरबूजा, तरबूज, वाटरमेलन, मस्कमेलन, लोबिया, सेम, पी, मटर, राजमा, ओकरा एंड लोबिया। तो इसमें लोबिया ये डिवीजन हो गया, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, लोबिया यहाँ पे लिखा जा चुका है। ओकरा, तो ये सब्जियाँ हैं, फ्रूट वेजिटेबल है। इस जो क्लासिफिकेशन है, इसका अध्ययन करने से हमें ये होता है कि कौन सी जो रूट वेजिटेबल हैं उनमें में पोरस सॉइल की आवश्यकता होती है, इसके अलावा उन्हें जल्दी जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है, जिससे उन्हें रूट डेवलप होने का पर्याप्त अवसर मिल जाता है, क्योंकि जितनी हमारी भूमि में नमी रहेगी उस हिसाब से जड़ों का विकास होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस प्रकार की जो सब जिसकी आवश्यकता होती है, अगर हमें रूट की आवश्यकता है तो उसको ज़्यादा पोरस सॉइल उपलब्ध कराने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से इस जो ये क्लासिफिकेशन का तरीका है, इसकी जानकारी होने से आप उन्हें सही सिचुएशन प्रोवाइड कर सकते हैं और उनसे भरपूर लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए और जो फ्रूट वेजिटेबल है उनका आप पार्ट में बहुत अच्छा उनको ग्रो कर सकते हैं गमले में। उसके लिए आप किचन गार्डन में भरपूर, अगर आपके पास ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो जो फ्रूट वेजिटेबल है उनको आप गमले में लगा सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी है, इसका यूज कर सकते हैं आप, कौन से वेजिटेबल का कौन सा पार्ट खाया जाता है। नेक्स्ट है संस्क्रियाओं के आधार पर, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो संस्क्रियाओं के आधार पर। तो मेथड ऑफ कल्टीवेशन, इसमें सब्जियों को व्यक्तिगत रूप से न जान करके समूह में जानने की कोशिश किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ सब्जियां ऐसा होती हैं जिनकी जो रिक्वायरमेंट है, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट है या सीजनल रिक्वायरमेंट है, वो सेम होता है, या कल्चरल रिक्वायरमेंट सेम होता है, तो उस आधार पे हम उनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे पेरिनियल वेजिटेबल, ये बहुवर्षीय सब्जियां होती हैं जो काफ़ी दिनों तक एक बार लगाने पे विद्यमान रहती है फील्ड पे, आपको हर साल नहीं लगाना पड़ता। इसमें है परवल, यम, रतालू, पॉइंटेड गोल रतालू, एस्पार्गस, सतावर, जिमीकंद, सूरन। इसके बाद कुकरबिटेसी फैमिली को बिलोंग करती हैं सब्जियां, जैसे इसके स्नेक गॉर्ड है, चचिंडा है, खीरा है, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, मस्कुलन, लौकी, टिंडा। नेक्स्ट कोल क्राफ्ट, कॉलीफ्लावर, कैबेज, नोल खोल। बल्ब क्राफ्ट, ऑनियन, गार्लिक। फ्रूट वेजिटेबल है टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, ओकरा, शिमला मिर्च। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग समान रहती है। तो इस प्रकार से समूह में ग्रुप करने से आपको आसान हो जाता है उनको फैसिलिटी जो अवेलेबल कराने, जिससे हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उनको फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन का महत्व ये होता है कि आपको सब्जियों के बारे में अलग अलग जानकारी न करके ईजी वे में आप समूह में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको उनकी कल्टिवेशन करने में आसानी रहती है और भरपूर आप उससे यील्ड प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। आई क्लासिफिकेशन इन द ऑफ वेजिटेबल जो तरीका है वो है जीवन काल के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। जीवन चक्र के अनुसार द वेजिटेबल्स आर थ्री टाइप, एनुअल एक वर्षीय, एनुअल बाइनियल एंड पेरिनियल। दोज वेजिटेबल्स दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल इज फ्रॉम सोइंग टू द हार्वेस्टिंग ऑफ द सीड, इज नोन एज लाइफ साइकिल। जब हम बीजों को बोते हैं तथा सब्जियों में बीज उत्पन्न हो जाता है, तो इस पूरे चक्र को बोने से लेकर बीज के उत्पादन तक को हम लाइफ साइकिल या जीवन चक्र कहते हैं। तो इस आधार पर जो सब्जियों का वर्गीकरण किया गया है वो एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल, तीन इसमें वर्ग हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय सब्जियाँ। तो जो एनुअल वेजिटेबल हैं वो बोटल ग्वार, लौकी, रेडिश, मूली, स्पिनच, पालक, वाटर मिलन, तरबूज एंड मस्क मिलन, खरबूजा। बाइनियल वेजिटेबल्स आर कैबेज, टर्निप, ऑनियन, पात गोभी, शलजम तथा प्याज। पेरिनियल
पेरिनियल और बहुवर्षी वेजिटेबल्स आर एस्पेरगस सतावर पॉइंटेड गोल्ड परवल एंड जैम दीज आर द पेरिनियल वेजिटेबल्स। तो इस प्रकार से इस वर्गीकरण की जानकारी होने से आप सब्जियों को यदि आपको सीड प्रोडक्शन करना है तो सब्जियों को प्रॉपर आप समय दे सकते हैं अपनी फील्ड में कि इतने दिन हमारी सब्जी वहाँ पे मौजूद रहेगी। तो ये जानकारी होनी चाहिए कि वेदर द वेजिटेबल्स व्हिच आर वी आर गोइंग दैट इज एनुअल बाइनियल और पेरेनियल, क्योंकि ये जानकारी आपको बहुत सहायता करेगी सब्जियों को उगाते वक्त कि ये सब्जी कितने दिन तक फील्ड में रहेगी। तो उतने दिन तक हमें दूसरे क्रॉप रोटेशन जो फसल चक्र आपका होता है उसके बनाने में भी ये क्लासिफिकेशन काफ़ी सहयोग करता है। तो इस प्रकार से इस क्लासिफिकेशन का विशेष महत्व है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल, क्योंकि फील्ड कितने दिन हमारी वैकेंट नहीं रहेगी। तो इस हिसाब से आप क्रॉप रोटेशन जो होता है फसल चक्र, जैसा कि आप लोग जानते हो भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्र का जानकारी होना, नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा सब प्रॉपर वे में फील्ड का सदुपयोग हो, हमारा जो क्षेत्र है उसका सदुपयोग हो, जो संसाधन उपयुक्त हैं उपलब्ध हैं उनका कायदे से सदुपयोग हो। इसके लिए फसल चक्र बहुत आवश्यक है कि सब्जी कितने दिनों की है तथा भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बनाने के लिए। तो ये जो क्लासिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा है वो है कठोरता के आधार पर, बेस्ड ऑन हार्डनेस। जैसे कि आप लोग जानते हो कि सब्जियों एब नॉर्मल कंडीशन आप वेदर होती हैं, मौसम के जो प्रतिकूल दशाएं होती हैं उनका सब्जी उत्पादन पे विशेष फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर है फ्रास्ट है तो इस हिसाब से फसलों की ठंड झेलने की क्षमता के आधार पर जो हमारा क्लासिफिकेशन किया जाता है कि फसल हमारी ठंड को कितना झेल लेती है। क्योंकि अगर ज़्यादा पाला पड़ रहा है तो निश्चित रूप से पौधे बेकार हो जाते हैं, बहुत ही केयर करनी पड़ती है। तो कितनी क्षमता होती है उनमें, फ्रास्ट रेसिस्टेंट होती है, इस आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो उस वर्गीकरण को हम कहते हैं बेस्ड ऑन हार्डनेस और कठोरता के आधार पर। दिस इज ऑल्सो नोन एज बेसिकली थर्मो क्लासिफिकेशन। इसमें जो हार्डी क्रॉप्स हैं जो कि फ्रास्ट को रेसिस्टेंट है या फ्रास्ट को झेलने की कैपेसिटी रखते हैं उनमें पाले का कोई असर नहीं होता, वो है एस्पेरगस, चौलाई, ब्रोकली, कैबेज, गार्लिक, ऑनियन, पीज, रेडिश, स्पिनच एंड टर्निप। इन सब्जियों के उत्पादन में फ्रास्ट जो पाला है उसका कोई असर नहीं होता, तो आप आसानी से इनको रबी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाफ हार्डी, जो मध्यम कठोरता वाली सब्जियां हैं वो कैरेट, जैसे गाजर, कैलीफ्लावर, लिट्यूक, पालक, पार्सनिप, पोटैटो। नेक्स्ट टेंडर, जो साफ्ट या टेंडर वेजिटेबल है जो फ्रास्ट सस्केपिलिटी हैं, उन्हें फ्रास्ट का पाले का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और सब्जियां बेकार हो जाती हैं, इसमें बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। ये आपकी एमरंथस, चौलाई, ओकरा, भिंडी, ब्रिंजल, कैप्सिकम, कसावा या टाइपियोका, चिली, क्लस्टर बीन, गुच्छों वाली सब सेम, कोलोकैसिया, अरबी, काउपी, लोबिया, कुकरबिट, जितने भी कुकरबिटेसी फैमिली की सब्जियाँ हैं जैसे मस्कमिलन है, खीरा है, स्पॉन्ज गोल्ड, रिज गोल्ड, इनमें भी पाले का बहुत ही असर पड़ता है। स्वीट कॉर्न, मीठा मक्का, स्वीट पोटैटो, टोमेटो एंड यम्स। तो इनको ग्रो करते समय आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी कि हम धुआं कर दें या सिंचाई कर दें छोटे पौधों की, जिससे हमारे पौधे पाले से प्रभावित ना हो। तो आप किसी तरह से सब्जी उत्पादन के समय लाश में नहीं जाएंगे और आप भरपूर फायदा सब्जी उत्पादन से ले सकेंगे। तो इस प्रकार से ये जो कोल्ड क्लासिफिकेशन का नाम था बेस ऑफ हार्डनेस है, ये बहुत ही सहयोग है कि हमारी जो सब्जी वो कर रहे हैं उसकी एटमोस्फेरिक जो एबनॉर्मलिटी कंडीशन है, फ्रास्ट है या टेम्परेचर है, तो इसको कितना टेम्परेचर कौन सी सब्जी सहन कर पाती है, इस चीज़ का आधार नॉलेज आपको बहुत ही आपको सब्जी उगाने में महत्व देगा और फ्रास्ट से पहले से विशेष करके आप अपनी फसल को सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, लास्ट क्लासिफिकेशन है,
रोपण क्षमता के आधार पर, लास्ट नहीं बल्कि सेवन नंबर का क्लासिफिकेशन है रोपण क्षमता के आधार पर बेस्ड ऑन द ट्रांसप्लांटिंग कैपेसिटी। आप लोग जानते हैं कि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें जो ट्रांसप्लांट करके लगाई जाती हैं कि उनके के बीज जो है इतने स्मॉल होते हैं कि आप उनकी डायरेक्ट सोइंग जो है फेल पे नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट सोइंग करेंगे तो आपको केयर करने में दिक्कत होगी, आप केयर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सब्जियां जो ट्रांसप्लांटर द्वारा जो रोपण की जाने वाली सब्जियां हैं जिनको हम पहले नर्सरी में बीज तैयार करके सीडलिंग तैयार करते हैं उसके पश्चात फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, वो सब्जियां कौन कौन सी हैं इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कैलीफ्लावर, गोभी, गोभी जो है हमेशा इसकी नर्सरी तैयार की जाती है और बाद में छोटे सीड जो पौधे तैयार होते जाते हैं तीन चार पत्तियों वाले, तो उन्हें हम फील्ड पर ट्रांसप्लांट करते हैं। कैबेज, पाद गोभी, नोल खोल, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, ऑनियन, ये सब क्या है ट्रांसप्लांटेड वेजिटेबल रोपण की जाने वाली सब्जियां हैं। और जो सब्जियां डायरेक्ट सोइंग करके फील्ड पे लगाई जाती हैं उनके बीज डायरेक्ट सीधे रूप में हम फील्ड पे बोते हैं, वो सब्जियां कौन कौन सी हैं, कैरेट, गाजर है। गाजर को आप ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें रूट जो है डिस्टर्ब हो जाएगी और पुनः उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं की जा सकती। रेडी सिर्फ कार है, टर्निप है, ओकरा, टिंडा, स्पॉन्ज गोल्ड, ककड़ी, मस्क मिलन, वाटर मिलन, बिटर गोल्ड, करेला, स्पिनच, बाकड़ा, पी, सेम, लोबिया, सोयाबीन, स्वीट कॉर्न, ये सब क्या है इनके डायरेक्ट सीड सो किए जाते हैं फील्ड में, तो इसको आप ट्रांसप्लांट करके बोएंगे तो आपको दिक्कत का सामना होगा क्योंकि ये सक्सेस नहीं होंगी अगर ट्रांसप्लांटिंग आप करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसका अगर आप लोगों को मालूम है तो आपको इनिशियल स्टेज से फ्रॉम द बिगनिंग आप किसी प्रकार से आप लास्ट नहीं होगा आपका और आपकी मेहनत निश्चित रूप से अच्छा आपको लाभान्वित करेगी सब्जी उत्पादन में। तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण है सब्जियों का ये बहुत ही जानना आवश्यक है कि किस सब्जी ट्रांसप्लांटिंग द्वारा लगाई जाती है और कौन सी सब्जी डायरेक्ट सोइंग की जाती है, क्योंकि डायरेक्ट सोइंग में अगर आप ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा लगाएंगे तो आपका समय बेकार होगा और आपकी मेहनत बेकार होगी, और अगर ट्रांसप्लांटिंग सब्जियों को आप डायरेक्ट सोइंग कर देंगे तो आपको वहाँ पे भी नुकसान होगा, आपकी फसल अच्छे से नहीं होगी फील्ड पे। तो इस चीज़ ये नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो हमारा मृदा प्रतिक्रिया के आधार पर बेस्ड ऑन सॉइल रिएक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो हमारी सॉइल हैं वो वेस्ट सॉइल हैं, वो दो प्रकार की होती हैं, एल्कलाइन सॉइल तथा एसिडिक सॉइल, क्षारीय मिट्टी तथा अम्लीय मिट्टी। और इनका इसका मापदंड हम लोग पीएच से करते हैं, सैलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल आप लोग जानते हैं, एसिडिक सॉइल, तो ये पीएच के आधार पर बेस्ड ऑन द रेसिस्टेंट टू द पीएच, कौन सी किस पीएच अम्लीयता या एल्कलिनिटी जो क्षारीयता होती है अम्लीयता होती है, हम उसको भूमि की अम्लीयता या क्षारीयता को पीएच द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो किस पीएच पे कौन सी सब्जी उगाई जाए ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको ये जानकारी नहीं है, इस जानकारी के होने से आप भूमि को पीएच को अपने अनुसार मेंटेन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं अम्लीय भूमि को हम चूना मिला करके सुधार लेते हैं तथा क्षारीय मिट्टी को हम जिप्सम मिला करके उसका सुधार लेते हैं, तो इस प्रकार से हम उसका उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अब आप देखिएगा जो स्लाइटली टॉलरेंट है ये किस पीएच को बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं, 8 से 6 पीएच को बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं। और इस श्रेणी में जो सब्जियां आती हैं वो चौलाई, एस्पेरगस, कैबेज, कैलीफ्लावर, ओकरा, मस्कमेलन, ओनियन, ये सब्जियां जो हैं 6 से 8 पीएच को टॉलरेट कर सकती हैं। तो आप इनकी इस पीएच के है भूमिका, तो ये सब्जियां आपको अच्छा पैदावार आपको देंगी अगर आप सो करेंगे। मोडरेटली टॉलरेंट, मध्यम सहनशील जो पीएच को सहन करने वाली सब्जियां हैं वो सेम 6 से 5.5 को सेम, ब्रिंजल, कैरेट, खीरा, गार्लिक, नोल खोल, पी, रेडिश, शिमला मिर्च, टोमेटो,
इसके बाद जो वेरी टोलरेंट हैं, बहुत ही अधिक सहनशील है लो पीएच के प्रति, अगर हमारे भूमि का पीएच 5.5 से 5 है तो स्वीट पोटैटो है, शकरकंद और वाटरमेलन तरबूज। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन आपको ज्ञान होने से आप अकॉर्डिंग टू पीएच टोलरेंसी आप पीएच सब्जियां उगाएंगे और निश्चित रूप से आप अच्छा मुनाफा पैदा करेंगे। तो इस प्रकार से आप किसी तरह से दिक्कत हो जो क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल है इसका जानकारी होने से आपको बहुत ही लाभ है। तो इस प्रकार से इस जानकारी अगर आपको है तो निश्चित रूप से सब्जी उत्पादन में एक अच्छा व्यवसाय आप स्थापित कर सकते हैं और बढ़िया अर्निंग कर सकते हैं, रिजनेबल प्राइस पे अपनी सब्जियां बेच सकते हैं। धन्यवाद।